हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल विजय तारा में और वहाँ एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, एक प्लस रेस्टोरेंट ओपन हुआ है उसी होटल में, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज का जो डिनर है हम लोग का इसी होटल में होने वाला है। तो इसी वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा कि होटल का जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है ठीक है। और एक्चुअली मैं इस होटल का एक और वीडियो बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्षरा सिंह आए थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर उस वीडियो का आप नहीं देखोगे तो अभी आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये शायद मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो होगा होटल विजय तारा का। तो अभी हम लोग वहीं पर चलते हैं क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए थे, लेकिन अभी क्योंकि अभी शांति माहौल हो गया है तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं और आपको होटल दिखाते हैं कि होटल कैसा है, ठीक है। और अंदर से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि होटल वगैरह कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है। और एक्चुअली आज जो मेन मकसद जो हम लोग जो मेन काम से जा रहे हैं वो है होटल का जो रेस्टोरेंट है, प्लस रेस्टोरेंट जिसका नाम है, तो हम लोग उसका टेस्ट को मतलब देखने जा रहे हैं। और एक्चुअली हम लोग रात में नाइट का डिनर जो है वहीं करने वाले हैं। इतनी खुशी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि होटल का जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है, इसका जो मेन्यू वगैरह है वो कैसा है, और यहाँ का जो प्राइस वगैरह है प्राइस इसका कैसा है, चाहे मतलब इंटीरियर ये सब जो है, मतलब ये रेस्टोरेंट मतलब आप लोगों के लिए है कि नहीं, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आप लोगों का क्लियर होने वाला है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में, चाहे होटल के बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको जाना होगा तो मैं इस वीडियो में आपको कंक्लूजन दे दूंगा, आप यहाँ पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो टोटल इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो भाई अभी हॉस्पिटल में थोड़ा काम था, सुई को लेना था, इसके चलते अभी हॉस्पिटल में थोड़ा गया था। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे दादा रे, नहीं, अरे नहीं भाई। अब चलते हैं विजय तारा में, चलो, हम नहीं चलेंगे, चला। ये हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल है और ये आपका हो गया मेन रोड। अभी हम लोग इससे अभी हम लोग आगे जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको 1 किलोमीटर मेरे घर से पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम लोग मेन रोड से होते हुए जा रहे हैं और आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ पे पूरा। ये हो गया मिडिल स्कूल और इधर में आपका कॉल बस है और इधर ही आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है, वो मैं आपको पोस्ट ऑफिस भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रास्ता से आपको पोस्ट ऑफिस वहाँ पर सामने पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको मार्केट लगता है, बाज़ार यहीं पे लगता है, थोड़ा सा आगे में यहीं पे आपको मार्केट लगता है। और ये आपका हो गया सरेडी मोड़, और यहाँ से आपको जस्ट आपको हाफ किलोमीटर से कम ही पड़ेगा, यहीं पे आपको नीचे आपका विजय तारा यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा रोड में, उसके कारण आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। वो देखिए आपको सामने वो होटल दिख रहा होगा विजय तारा, जो कि वाइट कलर का है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, आपको देखिए वाइट आपको दिख रहा होगा, यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं हम लोग के घर से, बस सब पहुँच ही गए हैं हम लोग। इधर हो गया आपका पार्किंग, लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर इधर रिसेप्शन, इतना भयानक कर दिया है। यहाँ पे शायद मॉल बन रहा है ना, यहाँ पे इसमें आपका मॉल बन रहा है। इधर देखिए ये पूरा ग्राउंड यहाँ पे खाली इसमें मॉल के लिए बनाया हुआ है। इधर चलते हैं हम लोग लिफ्ट से, लिफ्ट देख लीजिए कैसा है इसका लिफ्ट, काफ़ी खाली है ना। ये फोर करो। अरे हो गया। अबे आईफोन रहता तो कैमरा में दिखता नहीं यार, आईफोन है ये नहीं है क्या दिखेगा। ऊपर देखिए, ऊपर में ऐसा है। ये हो गया विजय स्टोन, ना ये है आपका प्लस। भीटी होटल विजय तारा, इसको इधर करा, ये सोना का चम्मच है क्या। होटल विजय तारा फूड मेन्यू, ऑल डे वाइट ब्रेकफास्ट चॉइस पराठा,
च्वाइस ऑफ पराठा ही क्या होता है? पराठा होगा, पूरी, भांजी 125, एग ऑर्डर 300 135। ये आप मेनू देख लीजिए कैसा है इसका। सेंट है हक्का नूडल 135 का है शायद, हाफ है, हाफ भी और फुल का ऑप्शन है। गार्लिक नूडल, फ्राई राइस 180। करीब 15 मिनट हुए हैं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, और ये चश्मा लगा लिए हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। देखते हैं कितना देर में आता है, और अभी तो 5:30 अभी हो रहे हैं, 8 बजे के लगभग, 7-8 बजे के लगभग हम लोग आ जाएंगे। देखिए लोग यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाने आते हैं, खाने तो कोई कम ही आते हैं। उधर आपका रिसेप्शन है, सब फोटो खींच इस टाइप का ग्लास हम लोगों को मिला है। कितना का ग्लास होगा यार? काफ़ी, मतलब मेरे को अभी तक तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा रांची में जाते हैं तो ऐसा वहाँ पे रेस्टोरेंट देखते हैं, और उसी का सुविधा यहाँ पे मतलब लग रहा है। छतरपुर जैसे छोटे शहर में इतना अच्छा रांची जैसा व्यवस्था मतलब है, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी तो टेस्ट वगैरह देखते हैं, खाना वगैरह का, खाना का टेस्ट कैसा है। इधर देखिए महान लोग सब फ़ोटो खिंचाने में बिजी हैं, और उधर भी लोग देखिए सब है, और आगे वहाँ पे शायद किचन है, जो चम्मच बना हुआ है वहाँ पे किचन इसका है। ग्रेवी वाला है ना ये? हाँ, ग्रेवी है सर। वो सिंपल चाउमीन मिक्स सर, चाउमीन नॉर्मल बोला था? सेजवानी सर, नॉर्मल नहीं, सेजवानी सर। सेजवानी क्या होता है? थोड़ा स्पाइसी रहेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। वेजिटेबल, और वो जो मिक्स चाउमीन एक जो होता है पनीर वगैरह मशरूम वगैरह, वो भी नहीं चल रहा है क्या? वो पनीर चाउमीन होता है सर, पनीर, पनीर नूडल्स होता है, चिकन नूडल्स होता है, उसमें अंडा, चिकन, पनीर, ये सब मिक्स रहता है। ये भेज नूडल्स है, वो भी ये सिजवान है सर। ठीक है, सिजवान में थोड़ा स्पाइसी रहेगा सर, तो हम पहले बताएँ सर, थोड़ा स्पाइसी। नहीं नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी का सब करेंगे सर? हाँ। मनीष और एक हम लोग का कच्ची बिरयानी है ना, चम्मच चम्मच ले जाने का, गाय का मछली यहां ये ना। शुक्रिया भाई, ये है आपका सेजवान चाउमीन। ये बोले कटवा, ये आपका हो गया मंचूरियन। तो भाई जी आपका है सेजवान चाउमीन, जो कि नॉर्मल चाउमीन नहीं है, सेजवान है, बहुत मिर्चा है इसमें। तो भाई ये हम लोग का बिरयानी है, मटर है,
मटन ही ना खाना है। तो गाइज हम लोग का ऑर्डर आ चुका है और इधर से देखिए बाहर से कैसा आपको दिखता है, इस टाइप का देखिए बाहर। गाइज ये हम लोग का है भेज बिरयानी, भेज बिरयानी है ना, उसमें क्या है, उसमें रायता है। और ये देखिए वहाँ पे बिरयानी है और ये है बिरयानी, इसको ख़त्म करने के बाद देख। देखिए हम लोग का बस स्प्राइट आ रहा है, ये हम लोग का स्ट्रो आ गया है, इसी से हम लोग गेम ले भी। देखिए हम लोग का स्प्राइट आ रहा है, ये ग्लास दूसरा तेरी, ठीक है। इधर आपको पूरा सिटी दिखेगा आपको इधर से। भेज बिरयानी, भेज मंचूरियन, भेज नूडल, टोटल बिल 810 रुपये का। तो गाइज अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं और छत पे आप देख सकते हैं कि इधर आपको ये इधर से आपको देखने पे पूरा आपको शहर दिखेगा ऊपर में, और भी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। और इधर में देख सकते हैं कि इधर में पीछे में देखिए आपको यहाँ पे भी आप चाहे तो खाना वगैरह खा सकते हैं। और ये देखिए आपको अगर चेयर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये पूरा ऊपर का ये सीन है और इधर पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे देखिए। और इधर भी है और इधर देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ब्लॉक है यहाँ पे पड़ता है ब्लॉक, ये इधर आप देख रहेंगे वहाँ पे जो है ब्लॉक हम लोग का पड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा ये ऊपर का सीन है, ऊपर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये जो फुहरा है ये रात में आपको चालू होता है और यहाँ पे देखिए वो लगा हुआ है इधर में। और इधर देखिए आपको बना हुआ है ये इस टाइप का ऊपर से, मतलब इस टाइप का आपको ये सीन दिखता है, काफ़ी मतलब अच्छा दिख रहा है। मतलब मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं छतरपुर में हूँ और ऐसा जगह में यहाँ पे ऐसा, मतलब छतरपुर में ऐसा हो गया, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है ऐसा। मतलब रांची में मैं बहुत देखा हूँ ऐसा एरिया है, ऊपर का एरिया है, ऊपर में आप देख सकते हैं कैसा यहाँ बनाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेन रोड में ही है आपको। और काफ़ी मतलब रेट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, 800 रुपये लगभग टोटल हम लोगों को पड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे, आप बर्थडे वगैरह और जितने भी सेलिब्रेशन है वो आप कर सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग छत के ऊपर में और ऊपर में आप देख सकते हैं ऐसा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आइए इन्जॉय कीजिए और पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे आके इन्जॉय कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।